आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। ये मेरा सेकेंड लेक्चर रहेगा। मैं फर्स्ट पार्ट में डायबिटीज मेलिटस का डेफिनेशन, टाइप्स और कॉजेज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्लिनिकल फीचर क्या होता है, ये सब के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बनाई थी। तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर के देखें मेरे चैनल पे, देन सेकेंड वीडियो समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में मैं बात करूँगी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में कि डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम RBS कराएंगे। अगर बच्चे में हमें ब्लड लेना है ग्लूकोज चेक करने के लिए तो वो हम हील से लेते हैं, ठीक है, और ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे जिसमें कि फास्टिंग एंड PP का। तो फास्टिंग का नॉर्मल होता है 70 to 110 mg/dL और PP का देखा जाए प्री डायबिटीज़ का तो वो होता है 80 to 140 mg/dL। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर डायबिटीज़ के लिए, ओके। तो GTT जो होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये होता है कि इसमें हम रिस्पॉन्ड चेक करते हैं, ठीक है, कि शुगर का रिस्पॉन्स हमारे बॉडी पे कैसा है। तो हम प्रेग्नेंट वुमेन को, नॉन प्रेग्नेंट को, ये सबको हम ग्लूकोज देते हैं। देन उसके बाद उसका अमाउंट चेक करते हैं कि उसका अमाउंट किस टाइप से है, कि बॉडी में कितना शो कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम डायबिटीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं, ये GTT जो होता है ये ओरली दिया जाता है। अगर नॉन प्रेग्नेंट को दे रहे हैं तो 75 ग्राम, देन 75 ग्राम देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे ग्लूकोज लेवल 0 मिनट पे, 30 मिनट, 60, 90 एंड 120 मिनट पे। और अगर प्रेग्नेंट मदर को दे रहे हैं तो 100 ग्राम देंगे, देन चेक करेंगे ग्लूकोज लेवल 0 मिनट, 60, 120 एंड 180 मिनट पे। और चिल्ड्रेन को दे रहे हैं तो 1.75 ग्राम/kg देंगे और चेक करेंगे 0, 30, 60, 90 एंड 120 मिनट पे। देखिए नॉन प्रेग्नेंट में 30 सेकेंड 30 के बाद चेक करेंगे एंड प्रेग्नेंट में 60 के गैप के बाद चेक करेंगे। और हम 2 आवर्स के बाद, जैसे ग्लूकोज दिए उसके 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। और अगर मोर देन 200 आ रहा है, ठीक है, 200 से ज़्यादा आ रहा है तो कंफर्म है कि उसको डायबिटीज़ मेलिटस है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा GTT टेस्ट हम लोग करते हैं, देखते हैं बॉडी पे ग्लूकोज का रिस्पॉन्स कैसा शो कर रहा है। तो नॉन प्रेग्नेंट में 75 ग्राम देते हैं, देन चेक करते हैं 0 मिनट पे 30, 60, 90 एंड प्रेग्नेंट में 100 ग्राम देते हैं, चिल्ड्रेन में 1.75 ग्राम देते हैं। और 2 घंटे के बाद चेक करते हैं, अगर ग्लूकोज लेवल 200 से ज़्यादा आ रहा है तो कंफर्म डायग्नोसिस है कि उसको डायबिटीज़ मेलिटस है। अब देखिए बेसलाइन फास्टिंग 70 to 100 mg/dL एंड 30 मिनट फास्टिंग 110 to 170 mg/dL और 60 मिनट फास्टिंग के 60 मिनट के बाद चेक करेंगे तो 120 to 170 mg/dL एंड 90 मिनट के बाद तो 100 to 140 mg/dL एंड 120 मिनट पे के बाद करेंगे तो 70 to 120 mg/dL। अब ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c टेस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ये जो होता है कि आपका 3 से 4 मंथ पहले ग्लूकोज लेवल कितना है वो बताता है। अगर मंथ में देखा जाए तो 3 to 4 मंथ है, और अगर डे में देखा जाए तो 90 to 120 डेज होता है। मतलब कि ग्लूकोज का लेवल ये बताता है कि 3 से 4 महीना पहले या फिर 90 से 120 दिन पहले आपका ग्लूकोज लेवल कितना है वो इसमें हम देखते हैं HbA1c में। और नॉन डायबिटिक में 1.5 to 2.7 mmol/L होता है एंड डायबिटिक में, डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें 2.0 to 5.0 mmol/L होता है। अब रिजल्ट आया, ठीक है, जैसे कि HbA1c हम टेस्ट करें हैं, अब रिजल्ट आया तो उसमें अगर नॉर्मल रहेगा तो बिलो 5.7% आएगा, और अगर प्री डायबिटीज़ है तो 5.7 to 6.4 एंड डायबिटीज़ में 6.5% या फिर इससे ज़्यादा आएगा ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। तो ये मेरा क्लियर हुआ। एंड अब हम बात करेंगे कि ग्लूकोज यूरिन में ग्लूकोज का लेवल चेक करना है तो किस टाइप से टेस्ट करेंगे।
तो इसके लिए करेंगे कि एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है जिससे जो कि यूरिन में जिस ग्लूकोज का लेवल हम चेक करते हैं, देन उसको हम 2 ml डालते हैं, उसके बाद कुल करते हैं, ठीक है। उसका फिर 6 to 8 ड्रॉप हम यूरिन डालते हैं, देन हीट करते हैं, 2 मिनट तक हीट करते हैं, उसके बाद फिर कुल करते हैं, देन हम चेक उसका कलर चेक करते हैं। अगर ब्लू लिक्विड आ रहा है कलर विथ नो डिपोजिशन, मतलब कि एबसेंट है शुगर, शुगर उसमें प्रेजेंट नहीं है, वो डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है। अगर ग्रीन कलर, ग्रीन लिक्विड आ रहा है विद डिपोजिशन, डिपोजिशन के साथ मतलब 1% शुगर है, एंड ग्रीन लिक्विड विद येलो डिपोजिशन आ रहा है 2% शुगर है, कलरलेस लिक्विड विद ऑरेंज डिपोजिशन आ रहा है तो 3% शुगर है, ठीक है। और ब्रिक रेट 5% और एवव आ रहा है, मतलब कि उसको डायबिटीज़ है। अब मैं बात करूंगी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आप मैनेज कैसे करोगे, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो डाइट में देखा जाए तो प्रोटीन देंगे 10 to 15% ऑफ टोटल एनर्जी, और रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ फॉर चिल्ड्रेन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर जो देखेंगे लेडी प्रेग्नेंट है या फिर चिल्ड्रेन है, तो उसमें हम इसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा देंगे प्रोटीन। फैट देंगे 2.5 to 3.5% टोटल कैलोरीज़ का, एंड कार्बोहाइड्रेट CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट देंगे 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरी कंटेंट ऑफ डाइट। तो समझ में आ गया, प्रोटीन देना है 10 to 15, फैट देना है 25 to 35%, एंड कार्बोहाइड्रेट देना है 50 to 60%। अब एक्सरसाइज में देखा जाए तो एक्सरसाइज हम ज़्यादा कराएंगे उस पेशेंट से, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि कॉजेज जो था उसका ओबेसिटी, उसका कॉजेज था, तो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। कोई अगर ओबेस लोग हैं तो उसको हमें एडवाइस करना चाहिए एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, ताकि उसका जो ओबेसिटी है वो कम हो पाए। तो इसमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी हम एक्सरसाइज करने कहेंगे, ताकि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होता है वो ब्लड में जो इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो पाए, ताकि पैंक्रियास इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए। एंड अवॉइड एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीक ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन पीक लेवल पे हो तो ये पता चलेगा कि नर्सेज वो मॉनिटर करती रहेंगी ग्लूकोज का लेवल, अगर पीक पे होगा तो उस टाइम अवॉइड करेंगे एक्सरसाइज को। अब हम मेडिसिन के बारे में देखते हैं, ये तो हो गया हमारा घरेलू उपाय, ठीक है। अगर हम मेडिसिन के बारे में देखा जाए तो कौन कौन सा मेडिसिन यूज़ करेंगे, तो इसमें आ जाएगा 4 classes ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक। मैं 3-4 मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल की बिगिनोइड्स, ये इसे हम मेटफॉर्मिन भी बोलते हैं, ये जो होता है सप्रेशन हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब कि पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए, ताकि इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा हमारे ब्लड में। अब इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि डायरिया, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट डायरिया होगा इसका, और लैक्टिक एसिडोसिस होता है। और एक टैबलेट होता है ग्लिपिजाइड टैबलेट, ये भी हेल्प करता है कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल बाय हेल्पिंग योर पैंक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन। ये भी इंसुलिन को, सबका मैक्सिमम सब टैबलेट का काम यही है कि ये जो होता है ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन बनाने के लिए। और एक होता है सल्फोनिलयूरिया टैबलेट होता है, ठीक है, और एक नॉन सल्फोनिलयूरिया। ये चारों टैबलेट को हम डायबिटिक पेशेंट में यूज़ करते हैं, ताकि पैंक्रियास ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करे इंसुलिन बनाने के लिए, और ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में कम हो पाए। आई होप कि मैं ये समझाई हूँ तो आपको समझ में आया होगा।